हमने ये फ्लैट नया लिया था, सो हमें इंटीरियर और फर्नीचर करना था। सो इंटरनेट पे सर्च करते हुए सीजे इंटीरियर के डिटेल्स मिले, फिर हमने उन्हें कांटेक्ट किया और पता चला कि उनका एक्सपीरियंस सेंटर सेटअप किया हुआ है। देन हम वहाँ पे गए एंड एक्सपीरियंस सेंटर को विज़िट किया। वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई और हमारा पूरा परसेप्शन ही चेंज हो गया। राइट, हमारे घर में फर्नीचर कैसे होना चाहिए उसका डेमो हमें वहाँ पे एग्जैक्टली पता चला। उसके बाद फर्नीचर की वैरायटीज़, उसकी क्वालिटी, देन स्पेस सेविंग फर्नीचर जो कंसेप्ट है, ये सारी बातें हमें उन्होंने प्रॉपर बता दी और वहाँ पे हमारी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ, और उसके बाद उनकी इंटीरियर डिज़ाइनर की टीम हमारे घर पे आई। हमारे घर के हिसाब से जगह कितनी है, अकॉर्डिंग टू स्पेस उन्होंने मेजरमेंट्स लिए एंड वी फाइनलाइज्ड। एंड उन्होंने हमारे बजट में सब कुछ करके दिया और ये काम पूरा होने में करीबन 1.5 से 2 महीने का टाइम लगा। घर का फर्नीचर हो या इंटीरियर हो, वी बोथ रिकमेंड सीजे इंटीरियो, बिकॉज जो 3D व्यूज में स्टार्टिंग में डिज़ाइंस दिखाए गए थे वो सेम टू सेम इम्प्लीमेंट हुए हैं इंटीरियर एज वेल एज फर्नीचर भी, दैट टू विदाउट इंक्रीजिंग आर बजट। सो वी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड सीजे इंटीरियो। तो आप एक बार इंटीरियर फाइनल करने से पहले सीजे को ज़रूर कंसल्ट कर कीजिएगा, आप ज़रूर फ़ायदे में रहोगे। या करेक्ट।